हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम, आइए ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपके अपनी सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं, एजेंट का कोई काम नहीं, सहारा के रिफंड पोर्टल पर खुद करें अप्लाई, डेढ़ महीने में आ जाएगा पैसा। मंगलवार को लॉन्च हुआ सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के जरिए आवेदन कर आप सभी आसानी से अपनी पैसा, अपनी जमा रकम वापस पा सकते हैं। इसके लिए घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप की मदद के आवेदन किया जा सकता है। 45 दिन में रिफंड का पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। इंतजार की लंबी अवधि के बाद आखिर सहारा इंडिया के उन निवेशकों को राहत मिली है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई निवेश की थी। सहारा द्वारा शुरू किए गए सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों का पैसा वापस किया जाएगा। इस विधि से धन वापसी बहुत आसान हो जाएगी और आप 45 दिनों के अंदर अपना पैसा, फंसा हुआ पैसा निकाल सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन से आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। 10,000 रुपये तक रिफंड आरंभ करने के लिए हम आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर परिचित कराना चाहते हैं, जिसके माध्यम से यह पूरा किया जा सकता है। इस पहल की शुरुआती मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। सहारा इस योजना की तरह उन 4 करोड़ निवेशकों को पैसा लौटाने की तैयारी में है जिनका निवेश प्रक्रिया तक पहुंच गया है। सरकार द्वारा रिफंड की जाने वाली राशि पर 10,000 रुपये की सीमा है। परिवर्तन जिन निवेशकों का निवेश कम से कम 10,000 रुपये है उन्हें पहले चरण में उनकी जमा राशि को रिफंड मिलेगा। इसके अतिरिक्त बड़ी जमा राशि वाले निवेशकों को उनको द्वारा निवेश की गई कुल राशि को केवल 10,000 रुपये तक ही लौटाया जा सकता है। इसमें 5,000 करोड़ रुपये लौटाने की तैयारी में है। 45 दिन में खाते में आ जाएगा पैसा। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आप अपनी जमा राशि बहुत आसानी से वापस पा सकते हैं और ऐसा करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा या किसी एजेंट का उपयोग नहीं करना होगा। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को नाम सत्यापित होते ही रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निवेशकों स्वयं इस पोर्टल पर लॉगिन करके अपना नाम पंजीकृत कर सकते हैं। रिफंड प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल 45 दिनों की आवश्यकता होगी। सारा इंडिया के निवेशकों को दस्तावेज की समीक्षा उनके ऑनलाइन दावे प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर सहारा समूह की समिति द्वारा की जाएगी और उन्हें 15 दिनों के भीतर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा। आसान स्टेप में समझे पूरी प्रक्रिया। निवेश को https://republicmocrefund.crc.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। होम पेज खुलने पर निवेश जमाकर्ता पंजीकरण विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चर कोड को भरें और गेट OTP विकल्प के क्लिक करके, ऐसा करने के बाद आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसके द्वारा उसे दर्ज करें। इस प्रकार आपकी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी हो जाएगी। इसके बाद वापस होम पेज पर जाएं। लॉगिन करने के बाद आपको जमाकर्ता लॉगिन विकल्प का चयन करना होगा। यहां पर आपको अपने आधार नंबर के आखिरी 4 अंक डालकर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर कैप्चर कोड भरकर OTP प्राप्त करने का विकल्प चुनना होगा। अब मोबाइल का प्राप्ति OTP भरे, नया पेज खुलने पर ही यहां दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़े और सहमत हूँ पर क्लिक करके, इसके बाद आपके बैंक खाते का नाम और जन्मतिथि DOB दिखाई देगी। फिर यहाँ पे डिपॉजिट सर्टिफिकेट फॉर्म पर जाए। अब क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा जिसके सहकारी समिति का नाम, सदस्य संख्या, जमा राशि दर्ज करें। आपके द्वारा दर्ज की गई राशि सभी जानकारी सत्यापित करने के बाद पोर्टल पर दावा पत्र डाउनलोड करने की अपनी पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और उस पर साइन इन करें, फिर स्कैन करके अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टि संदेश प्राप्त होगा। पुष्टि का संदेश प्राप्त होने के बाद 45 दिन के रिफंड राशि आपके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर CRC सेंटर पर जाएं। नीचे बताए गए चरणों का पालन करके अपने फंसे हुए पैसे को वापस पाने के लिए सारा रिफंड पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। दफ्तरों के चक्कर न लगाने की सुविधा है। यह अनुसंधान की जाती है कि आवेदन का पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते समय कोई समस्या आती है तो यह निकट CRC केंद्र पर जाए, अपने मोबाइल फोन नंबर और बैंक खाते को अपने आधार से लिंक करके CRC कर्मचारी रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए आवेदन कर सके। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।